अंतर खूटा अमृत भरिया शब्द है काढ़ पीए पनिहारी। अंदर एक खूह है ज्ञान का, बाहरों अकल लैके फिर फुट पैंदा चश्मा। फिर जिंदगी दे विच किहड़े वेले लोड़ है, किहड़ी चीज की लोड़ है, वह दिमाग फिर अपने आप काम करता भी हुण आ फैसला लै, इत्थे आ फैसला लै, इत्थे आ फैसला लै, वह अंदरों ही फुटन लग पैंदा, अंदरों ही औड़ जांदा। आपां कहिंदे नहीं कई वारी भी मर चले सी औड़ गई, मान लो ट्रक आ गया, इधरों ट्रक आ गया, इधरों बस आ गई, ड्राइवर आया सी बिच विचाले, हुण भी रगड़िया गया, फिर की होया कच्चे जी लाती। फिर अगला पता की कहिंदा, उत्थे औड़ गई बच गए, अज तक रगड़े गए। वह जिहड़ी औड़ गई है ना, ड्राइवरां ने तो इन्ना ही सिखाया हुंदा, बाहरों तो इन्ना सिखाया हुंदा गड्डी चलाउणी आ आ पहला गेयर दूजा, जिहड़ी आपे औड़दी है वह हुंदी है अंदरों आई है, वह है किहड़े वेले किहड़ा डिसीजन लैणा है। ते वह तो है ना गड्डी चलाउण वेले औड़दी है, कदी कदी औड़दी है, जिंदगी दे विच जदों भी लोड़ पवे अपने आप औड़े भी इत्थे आ फैसला, चाहे वह बच्चों का होवे, चाहे घर वाली का होवे, चाहे टब्बर का होवे, परिवार का होवे, जदों असी अकल वाले बन जाने फिर आपे औड़न लग जाती है, अंदरों आती है भी ऐ कर ऐ कर। गुरबाणी का ज्ञान लैना ते ज्ञान लैके अंदर वाले खूह नाल कनैक्शन बना लेना, फिर अंदर वाले अपने आप जिवें बाहरों पानी पाओ नलके वाला ट्यूबवैल वाला पानी फिर चक लैंदा पई, फिर अंदरों धरती चों आपे आई जाए। यह जिहड़ा ज्ञान है सारा ज्ञान लैके फिर औड़नी है आपे आपे आओ, वह जदों आनी है ना उहनूं असीं कहिंदे आ भी कॉमन सेंस। इनफॉर्मेशन बाहरों लई फिर अकल, ज्ञान लिया बाहरों फिर अपनी अकल, उहनूं असीं कहिंदे कॉमन सेंस, अपनी समझ किहड़ी जिंदगी दे विच, जिंदगी दे विच किहड़े फैसले लैणे। कई बंदियां दे गलत फैसले जिंदगी नरक बना दिंदे आ, ते कई बंदियां दे सही टाइम ते सही फैसले जिंदगी स्वर्ग बना दिंदे। डिसीजन ही गलत लैंदा ना बंदा, गलत डिसीजन लै लवे बेड़ा गर्क कर लैंदा, डिसीजन सही लै गया ते बच गया। ड्राइवर जिवें गड्डी आ चली सी मर औड़गी औड़गी, आ गया डिसीजन ऐ कट दे बच गया, जे ना औड़दी रगड़िया गया। इदां ही है भी औड़ी है अपने आप, आ ठीक नहीं मेरे लिए मैं करना नहीं, पर कई तो हो जाता गलत हो जाता, मुड़ के फिर पछताउंदे आ भी यार उदों मैं ऐ क्यों नहीं किया, उदों मैं ऐ क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं किया, गलत डिसीजन ले लिया। वह गलत डिसीजन लिया हुआ फिर बड़ा तंग करता है, कंडे वांगू चुभदा रहिंदा, अंदर निकलता ही नहीं, पूरी की पूरी लाइफ ही पुठे पासे पै जाती। कई बार किहड़े पासे नूं चलिया हुंदा, किहड़े पासे नूं चले जांदा, तुसीं सोच के वेखो अपने अपने इत्थे किन्ने बंदे जिन्हां कोल किन्नी ऑप्शन सी, किन्ना थां सी। मैनूं चेता है अमरीका अंबैसी विच गया मैं, असीं चार जने गए सी, ते उहनां ने पुछिया जी तुहाडे पंजवें बंदे दा वी वीजा है, उहदा केस ते इंप्रूव होया, तुहाडा बंदा कित्थे है? उहने उदू पहलां पहलां छुट्टी उहदी हो गई सी मीटिंग दे विच, मतलब वीजा लग्गिया होया पर उदां ही बस इदां मैं मीटिंग कीती, उहने कदों करना किवें करना भज्ज इत्थे, उह डिसीजन ही गलत लै लिया, ऐ नहीं कह सकिया वी कहिंदा अच्छा नहीं ते ना सी, उह गया धक्के खांदे फिरदे अजे तक, औड़ी नहीं भी गलत हो चलिया मेरे, हो गया डिसीजन गलत हो गया। तो मैं उन्होंने उत्थे कहा अंबैसी वाले, मैं कहा असीं पंज जने आ बीमार है, वो आ नहीं सकिया, उहदा वीजा ही कैंसल हो गया अज तक, पर एक बारी औड़ी नहीं भी नहीं यार फिर की हो गया, मैं कह देना गल फिर की गलती हो गई बस, पर नहीं औड़दी नहीं हुंदी भी इस वेले की करिए, गलत फैसला हो गया। एक करी गलत फैसला होया सारी जिंदगी का नुकसान। इहदा एग्जाम्पल मैं दे रहा, जरूरी नहीं कि मेरे तो ना गलत फैसला होया होवे, मेरे तो भी हो गया होना, जिंदगी दे विच डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, इहदे एग्जाम्पल है, मतलब कई फैसले जिंदगी नरक बना दिंदे, कई फैसले स्वर्ग बना दिंदे,
सोहनी बना दें जिंदगी, गलत डिसीजन एक बस सत्यानाश। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭਲਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਰਸ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਰਸ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਸ ਪੀਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ, ਵਾਹ ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਚਸ਼ਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੋਏ ਆਏ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਔੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਓਗੇ ਵੀ ਆਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਔੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ।